नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन प्लस की तरफ से एक और नया डिवाइस जो है दोस्तों मेरे पास वन प्लस नोट सी ई टू लाइट। दोस्तों नाम काफ़ी बड़ा है, आप देखिए जी दोस्तों मेरे पास इसका वन प्लस का बॉक्स जो कि दोस्तों वन प्लस का एक मिड रेंज फ़ोन है वन प्लस की तरफ से। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूँगा, इस फ़ोन के बारे में कुछ फीचर बताऊँगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी है, आपको इस फ़ोन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है, प्लस दोस्तों इसकी प्राइस क्या होने वाली है और क्या ये फ़ोन आपको अभी लेना चाहिए या फिर आपको किसी और फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस वन प्लस नोट की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और इस फ़ोन के सारे फीचर्स के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे पास वन प्लस नोट सी ई टू लाइट 5G। दोस्तों नाम तो इतना बड़ा है, अब देखते हैं फ़ोन कितना बड़ा निकलेगा बॉक्स के अंदर, ये तो बॉक्स खोलने के बाद ही पता लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी जो दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वन प्लस के 9 प्रो से। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है वन प्लस 9 प्रो से है और जो अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ इसकी वन प्लस नोट सी ई टू लाइट 5G। दोस्तों कितना बड़ा नाम है देखिए, लेने ही दोस्तों कोई आदमी आसानी से भूल जाए। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसकी हाईलाइट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इसकी दोस्तों जो किराया है बॉक्स के ऊपर वो है दोस्तों 19,999 रुपये, यानी 20,000 रुपये, बट जो आपको मिलता कितने का ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास इसका दोस्तों ब्लू कलर इसका, और दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है, ये तो मैं आपको फ़ोन ओपन करने के बाद ही बताऊँगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। मेरे पास इसका 6GB और 128GB वाला वेरियंट है जिसकी प्राइस दोस्तों मैंने आपको बता दी है जो बॉक्स के ऊपर 20,000 रुपये, बट जो कितने का है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर दोस्तों हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का एक 5G प्रोसेसर मिलता है, कौन सा मिलता है ये मैं आपको बॉक्स खोलने के बाद सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, बॉक्स जबकि मैंने पहले ही ओपन कर लिया, फिर भी मैं आपको एक अनबॉक्सिंग तरीके से दिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मिलता है हमें ये बॉक्स, इसके अंदर एक और बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें क्या मिलता है ओपन करते हैं। देखिए ये दोस्तों इसका बिल, इसको रखते हैं साइड में। जी दोस्तों एक कवर मिलता है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट, इसकी क्वालिटी भी देखेंगे। और दोस्तों ये कुछ इसके अंदर किताबें हैं, आप चाहो तो इन्हें रीड कर सकते हो। वैसे अगर इन्हें रीड करोगे तो आपका एक घंटा आराम से जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी किताबें दी गई हैं और काफ़ी मोटी किताबें दी गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर पढ़ने बैठ गए तो एक घंटा आराम से ख़त्म होने वाला है आपका। तो दोस्तों देखिए ये है वन प्लस नोट 2 की दोस्तों ये कुछ स्टिकर हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, चुपका सकते हो कहीं पे भी जहाँ आपको मन करे वहाँ। ये है दोस्तों इसकी देखिए कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आपको बताया गया है। और ये इसकी क्विक स्टार गाइड और ये रेड केबल क्लब का एक कार्ड। अब दोस्तों मुझे तो इसका आज तक पता नहीं लग पाया कि रेड केबल जो मेंबरशिप है दोस्तों इसको लेने से मिलता क्या है, आखिर होता क्या है। अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो आप मुझे नीचे का कमेंट का जरूर बताना, क्योंकि मैंने वन प्लस के कई प्रोडक्ट यूज कर लिए और हर प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों मुझे रेड केबल देखने को मिलता है, बट इसका यूज क्या होता है, इससे होता क्या है, ये अभी तक मैंने ना समझ पाया है और ना ही दोस्तों मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इन सबको साइड में रखते हैं, चलते हैं दोस्तों मेन फ़ोन की तरफ। और दोस्तों इसके अंदर हमें एक पिन और मिलती है जी, सिम इजेक्टर टूल। दोस्तों इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, ना तो आप इसमें सिम लगा सकते हो और ना ही दोस्तों आप पता लगा सकते हो कि आप इसमें सिम कितनी लगा सकते हो। चलिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब दोस्तों चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। दोस्तों इसका जो चार्जर है वो चार्जर दोस्तों मैंने अपने और फ़ोन को यूज करने के लिए फ़िलहाल चार्ज पर लगा दिया, तो वो मैं अभी लेके नहीं आ पाया वीडियो बनाने के लिए, वो नीचे चार्जिंग पर लगा हुआ है फ़ोन मेरा दूसरा वाला। तो आपको पता ही है इसमें हमें चार्ज मिलता है, कौन सा मिलता है ये आपको बताऊंगा।
तो दोस्तों बात करता हूँ सबसे पहले मैं इसके की हाईलाइट की। तो इसमें दोस्तों आपको मिलता है 6 GB और 128 GB का वेरियंट जो कि मेरे पास है। इसके अंदर आपको 6.59 इंच की एक डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल एच डी डिस्प्ले है। पर दोस्तों आपको ध्यान रखना कि जो डिस्प्ले है ये सुपर एमोलेड नहीं है। आपको इसके अंदर मिलता है एक LCD पैनल। इसके कैमरे की बात करूँ तो आपको इसके अंदर दोस्तों 3 कैमरे का सेटअप भी मिलता है। बट दोस्तों जो मेन कैमरा है वो है सिर्फ 64 MP का। बाकी दोस्तों जो 2 कैमरे हैं वो आपको यूजफुल मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा दोस्तों आपको इसके अंदर मिलता है 16 MP का सोनी के सेंसर के साथ, जो दोस्तों आपको वन प्लस 9 Pro में देखने को मिलता है सेम। दोस्तों इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और सपोर्ट मिलता है आपको 3300 वॉट का, जो कि दोस्तों चार्जर है 3300 वॉट वाला, वो भी आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बट फिलहाल जो चार्जर है उसको मैं यूज कर रहा था तो मैं उसे लेके नहीं आ पाया, वो चार्जिंग पर लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा चार्जर है दोस्तों, जिसके अंदर आपको सी टाइप मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आप डुअल सिम लगा सकते हो और आपको इसके अंदर दोस्तों दोनों ही सिम 4G वाली मिल जाएंगी। दो सिम आप 4G लगा सकते हो। दोस्तों इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 का प्रोसेसर मिलता है ऑक्सीजन OS 12 के साथ, जो दोस्तों अभी हाल ही में नया अपडेट आया है उसके साथ आपको मिल चुका है। दोस्तों इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या नहीं, जी मैं हम आपको अभी ट्राई करके देखेंगे इसको सिम वाली ट्रे को निकाल कर देख के कि आपको इसके अंदर मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है कि नहीं मिलता, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो काफ़ी कुछ अच्छे फीचर हैं इसके अंदर दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको मिलता है फ्रंट पे जहाँ पे 16 MP का सेल्फी कैमरा और 6.59 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि दोस्तों एक फुल एच डी डिस्प्ले है, बट सुपर एमोलेड नहीं है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, एक LCD डिस्प्ले है। बैक में दोस्तों कैमरे का बम्प निकला हुआ है थोड़ा सा, वो तो देखने में अच्छा भी लगता है और थोड़ा दोस्तों इसके ऊपर स्क्रैच भी आ सकते हैं अगर आप बिना कवर के यूज करते हो। तो जो फ्लैश लाइट है दोस्तों, बैग जो दिया गया है प्लास्टिक का है दोस्तों, मेटल नहीं है। आपको इसका भी ध्यान रखना है, कोई भी इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है पीछे। साइड में दोस्तों इस साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाते हैं, यहाँ सिम ट्रे मिल जाती है। सिम ट्रे दोस्तों आप चेक करते हैं इसके अंदर आप क्या क्या लगा सकते हो। दोस्तों देखिए GS की सिम ट्रे, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे या तो 2 सिम लगा सकते हो या पे दोस्तों आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हो। दोस्तों ये अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर एक एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको मेमोरी कार्ड लगाना ही होता है, तो आप इसमें लगा सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। नीचे दोस्तों आपको 3.5 mm जैक मिलता है। दोस्तों ये भी अब हरफोन में नहीं आ रहा, तो ये इसमें मिल रहा है ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको दोस्तों माइक मिल जाएगा, ये है सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और ये दोस्तों इसका स्पीकर। दोस्तों इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल स्पीकर नहीं मिलता, तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बट सिंगल स्पीकर भी दोस्तों इसका काफ़ी लाउड है, जिसकी आवाज़ दोस्तों अभी मैं आपको सुना के दिखाऊँगा, फिर आप देखना। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया, सेटअप भी कर दिया था। अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ कि साउंड क्वालिटी दोस्तों इसकी कैसी आ रही है, क्योंकि मेरा ये फ़ोन जो है कनेक्ट है मेरे वाईफाई से। इसका सिंगल स्पीकर है जो दोस्तों काफ़ी लाउड है मेरे हिसाब से, और अब आगे आप मुझे बताना इसे कमेंट में। तो जाइए दोस्तों वन प्लस 10 Pro CE2 Lite 5G, जिसके अंदर आपको 5G सपोर्ट मिलता है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब मैं आप दोस्तों आपको बात करता हूँ उसकी प्राइस की। दोस्तों इसकी प्राइस दोस्तों 20,000 रुपये। अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन कहीं से भी ले सकते हो, जिसकी प्राइस दोस्तों 20,000 रुपये है। और दोस्तों ये जो कवर जो फ़ोन के अंदर मिला था साथ में बॉक्स के अंदर, जिसके अप्लाई करने से दोस्तों आपके फ़ोन की जो अवेलेबिलिटी है, कलर है, डिज़ाइन है, सब दिखेगी इसके अंदर से, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों जो कटिंग वगैरह है दोस्तों, कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कटिंग वगैरह है काफ़ी अच्छी दी गई है, ये देखिए, क्योंकि जो हमें मिलता कंपनी की तरफ से है, तो कटिंग तो अच्छी देनी है। यहाँ पर 3.5 mm जैक के लिए दोस्तों सपोर्ट दिया गया है, तो कवर भी काफ़ी अच्छा है। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब इस फ़ोन को यूज करें तो एक अलग से कवर खरीद लें, जिससे आपका जो कैमरा है दोस्तों वो सेफ हो जाए, क्योंकि इस कवर में आपका कैमरा सेफ नहीं है। देखिए अगर आप इसे रखोगे तो आपका इस कैमरे पे स्क्रैच आ सकते हैं।
दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या देखने को आपको मिलता है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ उस फ़ोन की प्राइस की। तो प्राइस है दोस्तों इसकी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में आपको काफ़ी कुछ वन प्लस की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी और ब्रांड से कंपेयर करते हो तो आपको इस फ़ोन में ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे जो फीचर्स हैं जो आपको 12-14 हज़ार रुपये वाली रेंज में मिल जाएंगे किसी और ब्रांड में। बट अगर आप वन प्लस देखते हो तो वन प्लस के अकॉर्डिंग दोस्तों, वन प्लस के हिसाब से इस फ़ोन में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है जो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको वन प्लस का एक मिड रेंज फ़ोन चाहिए जो आपको कम बजट में मिल जाए तो आप इस फ़ोन की तरफ बिना टेंशन के जा सकते हो, आसानी से इसे ले सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि ये जो फ़ोन है आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस दोस्तों इसमें 5G की जो सपोर्टिंग है वो भी आपको मिलेगी और हर चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी जो आपको एक फ़ोन से चाहिए होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सपोर्ट बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।